क्या किसी ने मेरा ब्लैक और सिल्वर पेन देखा है? हाँ? जो मेरे पिता ने मुझे दिया था? वो तो आपके ड्रॉअर में रहता है ना? हाँ, पर अब वहाँ नहीं है। दोस्तों, हाल ही में काफी चीजें गायब हो रही है। पापा का पेन, मेरा सुपर कॉम्पैक्ट स्क्रूड्राइवर का सेट, सारा का ब्रेसलेट। सच में कमाल है, लगता है तुम्हारे घर में चोर है। सालिम, तुम ऐसी बातें मत करो। मैंने ऐसा क्या कह दिया? जरूर आसपास कोई चोर है। हमारे यहाँ कोई चोर नहीं है। क्या किसी ने मेरा नेकलेस देखा है? नहीं मम्मी। अच्छा, अगर दिखे तो मुझे दे देना। अब भी तुम्हें लगता है कोई चोर नहीं है? मेरे ख्याल से हमें जानना होगा क्या हो रहा है। मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, तो अगर हमें उस चोर को पकड़ना है, फिर हमें उसके लिए एक जाल बिछाना होगा दोस्तों। तो चलो। ठंडी ठंडी। अच्छा, मैं इसे बंद कर देती हूँ। ठंडी, इसे बंद कर दिया है, अब तुम्हें अच्छा लगेगा। ठंडी, ठंडी। शायद तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या तुम बीमार हो? ठंडी। क्या मेरी घड़ी देखी? ये क्या है? मंसूर। एक काम करो, तुम ये पहन लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है? तंडी, तंडी। मम्मी, मम्मी। क्या हुआ बेटा? देखिए, बीबी को कुछ हो गया है, वो बार बार ठंडी कह रही है। तुम घबराओ मत, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। वो चोर इस चम्मच को चुराने आएगा और घंटी बज जाएगी और फिर उसे पकड़ लेंगे। अब हमें इंतजार करना होगा। लगता है वो चोर आ गया। दादाजी, डरा ही दिया। माफ करना बच्चों, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे हो? हम तो बस यहाँ आराम कर रहे थे। नहीं, हम तो सच में काफी मेहनत की है हमने दादाजी। अच्छा बच्चों, क्या तुमने मेरी गाड़ी की चाबियाँ देखी हैं? दरअसल वो मुझे नहीं मिल रही। आपने गाड़ी में तो नहीं छोड़ दिया पिछली बार की तरह? मैंने सबसे पहले वहीं जाकर देखा था, लेकिन मुझे लगता है गाड़ी की चाबियाँ यहीं कहीं पड़ी होंगी। तुम मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? हम किसी को नहीं बता सकते हम क्या कर रहे हैं, ये एक खुफिया जांच है। दादाजी चोरी नहीं करेंगे। पर शक के दायरे से कोई नहीं बचेगा। हाँ, पर उस चोर के पास उनकी चाबियाँ भी तो हैं। ऐसा सिर्फ वो कह रहे हैं। सालन, तुम हद कर रहे हो। देख लेंगे। मम्मी, बस 10 मिनट और सोऊंगा, ओके? चोर आ गया है। हमारा कॉफी सेट। क्या हुआ बच्चों? ओह मॉम, घंटी बची है। टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ। हेलो बेटा, आपने डॉक्टर बुलाया था, मैं जल्द से जल्द आ गया। उम्मीद है कि मुझे देर नहीं हुई। मैं नहीं चाहता आपके पैरेट को कुछ हो जाए। बिल्कुल, प्लीज अंदर आइए। शुक्रिया। सॉरी, गलत चश्मे पहने थे। मुझे बीबी की चिंता हो रही है,
पूरा दिन वो बस ठंडी ठंडी बस यही कह रही है। पूरा दिन यही कह रही थी। मुझे इसे चेक करना पड़ेगा। ठंडी ठंडी माफ कीजिए बीबी उस तरफ है। ओ, ओ, ओ बिल्कुल सही कहा वो वही तो है। सॉरी मैंने गलत चश्मे पहन लिए। सॉरी हाँ तो बताइए पेशेंट कहाँ है। ठंडी ठंडी तो यहाँ हो। एक आइडिया है हा? क्यों ना हम चारा डालकर उसके आजू बाजू इनविजिबल पेंट कर दे और जब वो चोर चोरी करने अंदर आएगा तो उसके पैरों पर पेंट लग जाएगा। पर पेंट तो इनविजिबल होगा। वही तो उसे दिखाई ही नहीं देगा। हमें भी नहीं दिखेगा। नानो के डिटेक्टर लाइट यूवी रेस को पकड़ लेती है। हम आराम से देख लेंगे। ये हुई ना बात। एक बात का ख्याल रखना ये पेंट इनविजिबल है इसलिए हमें पता नहीं होगा ये कहाँ लगा है। क्या तुम लोगों ने मेरी फेवरेट कफलिंग्स देखी है कहीं पे? नहीं देखी। पर तुम तीनों कर क्या रहे हो? हम इनविजिबल पेंट से चोर को पकड़ रहे हैं। क्या तुम तीनों अभी भी इस तरह की कहानियां खेल रहे हो? याद है ना दोस्तों हम एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड का सामना कर रहे हैं। दोस्त के भेष में चोर जिसने अपने घिनौनेपन पर पर्दा डालकर इस मासूम परिवार पर निशाना लगाया है। इस घर में रहने वाला कोई भी शख्स हो सकता है। मेरे परिवार में कोई भी चोर नहीं है। कोई भी शक के दायरे के बाहर नहीं है तुम्हें ये पता है ना? कोई यहाँ नहीं है। नानो डिटेक्टर लाइट चालू कर दो। ठीक है मंसूर। चोर के पैरों के निशान अब वो नहीं बचेगा। नानो पैरों के निशानों का पीछा करो। चलो जल्दी। चलो दोस्तों जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो मैं थक गया हूँ। चलो जल्दी चलो इस तरफ जल्दी चलो उस तरफ चलो। देखो नानो को कुछ मिल गया है। चलो भी चलो चलो जल्दी चलो वो यही होगा रुको। हाँ सालिम लगता है जहाँ तुम बैठे थे वो चोर भी बैठा था। नहीं लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। पर शक के दायरे से कोई नहीं बच सकता सालिम। मैंने कहा मैं चोर नहीं हूँ। नानो लाइट सालिम की तरफ घुमाओ। पर मैं चोर नहीं हूँ। जानता हूँ तुम शायद पेंट में खड़े हो गए थे। मैंने चेक कर लिया है और खबर अच्छी नहीं है। गर्मी गर्मी ठंडी ठंडी। ओ नहीं 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 मैंने जितना सोचा था उससे भी बुरी हालत है। बीबी को थोड़े दिन क्वारंटीन में ही रहना होगा। उसे फैलने वाला पागल पैरट सिंड्रोम हुआ है और तो और जान का खतरा है। हे, मुझे इसी वक्त अपने क्लिनिक लौटकर रिसर्च शुरू करनी होगी ताकि ये पैरेट की महामारी कहीं पूरे शहर में ना फैल जाए। फिर से गलत चश्मे पहन लिए। मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी चीजों को छुपानी शुरू करता। मुझे नहीं लगता हम इस चोर को पकड़ पाएंगे वो कुछ ज्यादा ही शातिर है। गर्मी, ठंडी, गर्मी, ठंडी। हाँ, हाँ। समझ गया चोर कौन है। दोस्तों जल्दी चलो 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 चलो। तुमने यहाँ क्यों बुलाया है? गर्मी। मैंने आप सबको चोर के बारे में बताने के लिए बुलाया है। कैसा चोर? इस घर में एक चोर है। इस घर में कोई चोर नहीं है सालिम। नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या आपने नोटिस नहीं किया कि आपकी चीजें गायब है? वो तो है पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारे घर में चोर है। मैं अब भी बताता हूँ। गर्मी
समझ में नहीं आ रहा मंसूर, कौन है ये चोर? मुझे तो सालिम ही लग रहा है। अरे मैं चोर नहीं हूँ। गर्मी 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 मिल गया। ओह मेरी कफलिंक्स मिल गई, मेरी गाड़ी की चाबियां। मेरा पेन। बीबी ने ये सारी चीजें ली थी और उन्हें छुपा दी क्योंकि वो हमारे साथ ठंडी गर्मी का गेम खेल रही थी। ठंडी गर्मी ठंडी गर्मी। तो फिर बीबी बीमार नहीं है? नहीं। कोई चोर नहीं है? नहीं। गर्मी 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 सारा कुछ ज्यादा ही गर्मी है, जरा एसी तो चला देना। क्या चाहिए तुम्हें? मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे कॉफी प्लांटेशन की मीटिंग की तैयारी करनी है। इंटरनेट पर लिखा है कि इस आइलैंड पर कमोडो ड्रैगन्स है। नासिर क्या ये सच बात है? हमें दिखेंगे क्या? हाँ? नहीं नहीं, हमें कमोडो ड्रैगन्स तो कमोडो आइलैंड पर ही दिखेंगे। लेकिन हाँ मैं जानता हूँ, अब तुम कहोगे कि इंडोनेशिया के सभी आइलैंड पर कमोडो ड्रैगन्स मौजूद है। जाओ बैठो, तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं बिजी हूँ, परेशान मत करो। लेकिन फ्लोज में लिखा है कि वो यहाँ पर। मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, मुझे मेरी कॉफी प्रोडक्शन की रिपोर्ट पर अच्छे मार्क्स चाहिए, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। बच्चों जब हम लैंड कर रहे थे तब एक इंडिकेटर लाइट जल गई थी, मुझे यहाँ पर रुककर रिपेयर के काम पर नजर रखनी होगी। पर डैड आपने वादा किया था कि हम साथ मजे करेंगे। जानता हूँ मंसूर, और मैं सच में आना चाहता हूँ, पर तुम जानते हो सुरक्षा हमेशा पहले आनी चाहिए, और इसीलिए नासिर तुम्हारा ख्याल रखेगा। पर मुझे भी जरूरी काम करने हैं। घबराओ मत, ये तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल भी नहीं। परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं डैड। अच्छा ठीक है, समझ गया समझ गया, चलो चलते हैं। हेलो सर, आ जाओ बच्चों, गाड़ी में बैठो। बैठो बैठो बैठो, जल्दी चलो चलो। हाँ बस करो। ये जगह तो काफी अच्छी है ना? हाँ अच्छी है। चलो चलो बस करो, चुप रहो। मैं देखता हूँ बच्चों, क्या आप इस आइलैंड की दूसरी तरफ घूम कर आना चाहेंगे? तुर्की, क्योंकि तुम इन सब में सबसे ज्यादा समझदार हो तो तुम रुक के मेरे असिस्टेंट बन सकते हो। क्या मैं जानता हूँ जानता हूँ, ये तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। सच में बड़े गर्व की बात है। ठीक है बच्चों, मैं बाद में मिलता हूँ, मजे करना। चलो दोस्तों आज तो बहुत मजा आएगा। हम्म,
दोस्तों क्या तुमने वो सुना? क्या? हाँ हाँ वो आवाज नहीं सुनी? नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे डरने की आवाज आ रही है और तुम्हारे दांत कांपने की भी। और ये तो एक कोमोडो ड्रैगन है। चलो भागते हैं। मैंने तुमसे कहा था मुझे आवाज आ रही थी। चलो उस पेड़ पर चढ़ते हैं। जल्दी चलो। कॉफी इंसान को अरेबिया का दिया हुआ सबसे बेहतरीन तोहफा है। सही कहा। नासिर, सेल्फी। अब हम क्या करेंगे? सोचने दो। लगता तो नहीं कि ये यहाँ से कहीं जाने वाला है। नानो इसे भगा देगा। नानो, क्या तुम इस कमोडो ड्रैगन का ध्यान भटका सकते हो? जरूर मंसूर। कमोडो ड्रैगन को भटकाने का काम अब शुरू होता है मंसूर। हाँ चलो भी। जंगलों में जब ये उग रहे होते हैं, इन बीन्स की कोई खास कीमत नहीं होती है तुर्की, पर एक बार एक कॉफी बन जाए ये दुनिया की सबसे कीमती चीजें बन जाती हैं, समझ गए तुम? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। माफ करना, मैंने बिना देखे भागा। मैं कोमोडो ड्रैगन से जान बचाकर भाग रहा था। कहीं ये वही कोमोडो ड्रैगन तो नहीं जो बहुत वक्त से मेरी फैमिली को सता रहा है? हमारे पास पहले 4 भैंसें थी जो खुशी खुशी हमारे खेतों में घास चरने जाती थी। फिर एक गायब हो गई और हमारे पास 3 ही रह गई, और एक हफ्ते बाद सिर्फ 2 ही रह गई, और अब हमारे पास एक ही भैंस बची है और वो इतनी डरी और घबराई हुई रहती है कि उसने दूध देना ही छोड़ दिया है। एक तरकीब है जो इस कमोडो ड्रैगन की दिक्कत को हल कर देगी, तो सुनो। हंड्रेड मीटर्स, 75 मीटर्स, 50 मीटर्स। वो आ रहा है। 25 मीटर्स, 15, 10 मीटर्स। भागो। खींचो। दोस्तों मेरे ख्याल से अब कमोडो ड्रैगन की आने की आवाज अब सब सुन पाएंगे। वो रहा वो घटिया सा कमोडो ड्रैगन, भागो यहाँ से।
सारे अलग अलग फ्लेवर्स अलग अलग किस्म की मिट्टी और रोस्ट करने की तकनीक से बनते हैं। समझ गया नासिर। बहुत ही गजब की बात है, इसमें मिलने वाले फ्लेवर्स की लिस्ट मानो कभी खत्म ही नहीं होगी। और अभी तक हमने आफ्टर ब्रू एडिटिव्स का नाम लिया ही कहाँ है, जैसे कि कैरेमल या वेनिला। दोस्तों यकीन मानो नासिर कोमोडो ड्रैगन के पेट में जाने ही वाला था, तुम देखते तो हैरान हो जाते। सच में? सच में, मैं बता रहा हूँ ना, वो इतने करीब था। हम भी काफी करीब आ गए थे पर हम भागे नहीं। सच में, तुम मानोगे नहीं पर हमने एक परिवार के खेत को कोमोडो ड्रैगन से बचाया। ड्रैगन को हरा दिया। वो भी एक घंटी से। क्या हुआ नासिर? मैंने कहा था ना, कोमोडो ड्रैगन नासिर को अपना नाश्ता बनाने वाला था। हाँ? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं तब? मैंने कोशिश की थी। तुमने तो कोमोडो ड्रैगन की याद दिला दी। क्या कहा? कोमोडो ड्रैगन कहा? मैं जानता हूं हमने अपने सारे पैसे फ्रीजर और बेहतरीन मछलियों में लगा दिए, पर उसका फायदा हुआ आपको नहीं लगता? नया फ्रीजर, मछलियां, इतने गर्मे, जनरेटर, मालिक। मछलियाँ, मछलियाँ, रुक जाओ एक सेकंड, बदबू आएगी। मछलियाँ, खलील, मेरे दोस्त खलील। मैं अभी मछलियां बचा लूंगा। नहीं मेरे दोस्त, सब बर्बाद हो गया। चलो जल्दी निकले यहां से। परफ्यूम यूज करो या शायद लोगों को बेच दो जो सूंघ ना सके। ज्यादा मत सोचो क्योंकि अभी सब बर्बाद नहीं हुआ है। मेरे पास एक आइडिया है। आज के बाद मैं अपना स्टंट करियर दोबारा शुरू करूंगा। सब बर्बाद हो गया। एक वक्त ऐसा भी था जब मैं एक शानदार स्टंटमैन हुआ करता था। तब लोग बहुत सारे पैसे देकर मुझे देखने आते थे। मैं बाइक जंप करवाता था, मूवीज में काम करता था, बहुत फेमस था। एक वक्त था। ये देखो। अब यही बाकी था। हाँ।
इस वक्त मैं सोच रहा हूँ कि ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दूं, इस बार डाइविंग की। बस मुझे एक छोटा सा शैलो पूल मिल जाए। मैं ले आया। क्या ले आए? आपका पूल। पूल? ये तो चुल्लू भर पानी है। ये छोटा पूल है, आप ही ने कहा था छोटे पूल में डाइविंग करेंगे। मैंने ऐसा कहा था? मैं इसमें फिट हो जाऊंगा। और तुम्हें लगता है कि मैं इसमें ट्रेनिंग दे पाऊंगा? अकल के कच्चे, मैं इसमें कूदूंगा कैसे? 100 फीट ऊपर से आप कर सकते हैं। कैसे? आप इसमें कूद सकते हैं 100 फीट की ऊंचाई से। क्या? बिना एक बूंद भी गिराए, ठीक है? तुम्हारी तो मैं। देखिए, शैलो पूल, ये पानी का ग्लास, किसे परवाह। सोचिए ऑर्गेनाइजर कितने खुश होंगे, वो कहेंगे ऐसा आज के पहले कभी नहीं हुआ। होगा भी कैसे, क्योंकि ये नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं। हाँ? हाँ, वही शो का नाम होगा। स्पॉन्सर्स पागल हो जाएंगे। स्पॉन्सर्स? सारी टिकट्स बिक जाएंगी। ऑडियंस? एक बार फिर से। बहुत सारी ऑडियंस। ये तो मुश्किल है। अच्छा, मैंने मुश्किल सुलझा ली है। तो फिर दिखाओ। क्या बात है, ये कितना कूल है। हाँ, तुम इनका नाम क्या रखोगे? मैं इन्हें जेट ब्रेक्स बुलाऊंगा। दोस्तों, इनकी मदद से किसी भी ऊंचाई से कूदा जा सकता है। बस एक बार इनकी टेस्टिंग हो जाए तो इससे बहने वाला कहीं से भी कूद पाएगा। वो खिलौना मुझे चाहिए। मैं लाऊं? हाँ, तुम्हें ये लेकर आना ही पड़ेगा। नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा। अरे, चोरी नहीं करना, उधार मिलाना है, जाओ। सच में नहीं जाऊंगा। एक आखिरी बार। सवाल ही नहीं। अरे जाओ भी। मैं उनसे ले लूंगा, बताऊंगा नहीं। ओह, ये रिस्ट वेट्स तो कमाल के हैं। लगता है इनका असर भी हो गया है मुझ पर। मालिक, मालिक। मैंने कहा था हम संभाल लेंगे, पहले इसे पहन लीजिए, शो का टाइम हो गया है। गए काम से मम्मी। हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट रेडी एंड। माफ करना। किस लिए? तुम्हारी उड़ने वाली चीज मैंने उधार में ले ली है। क्या कोई जानता है कि ये क्या कह रहा है? तुम्हारा उड़ने वाला आविष्कार, वो मैंने ले लिया। ओह, आप इनकी बात कर रहे हैं? हाँ। क्या? रुको, अगर ये तुमने पहना है, फिर उन्होंने क्या पहना है? ओह, माफ करना, पर शायद आपने मेरी एंकल और रिस्ट वेट्स को मंसूर का उड़ने वाला आविष्कार समझ लिया। मैंने अपने वेट्स वहाँ रखे थे और फिर वो गायब हो गए। वो वेट्स हैं? मालिक, मालिक, कूदना मत, रुक जाइए मालिक। मालिक।
खलील! ओ नहीं, ओ नहीं! देखा, मैंने एक बूंद भी नहीं गिरने दी। बहुत अच्छे, क्या बात है खलील मेरे दोस्त, मैं बच गया। वाह, सुनकर अच्छा लगा। हमारे दो शो हैं आज और कल। सज्जनों, आपके सामने पेश है उड़ने का महान जादू, वो भी ट्रम्पेट की मदद से। आपके सामने जो प्राचीन यंत्र है, मैं इससे निकलने वाली बेमिसाल ध्वनि से आज मैं हवा में आपके सामने उड़ाऊंगा अपने प्यारे असिस्टेंट को। ट्रम्पेट बजाओ मेरे दोस्त। एक बार फिर, मजा नहीं आया। जोर से, जितनी जोर से बजाओगे उतना ऊंचा जाओगे। और जोर से बजाओ। ये उड़ने वाली ट्रिक काम क्यों नहीं कर रही है? अब शो में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और हमारी मेन ट्रिक अब तक तय नहीं हुई। जल्दी कुछ सोचो खलील, हमें कोई महान ट्रिक ढूंढनी ही होगी, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, घबराओ मत, मैं कोई नई ट्रिक ढूंढ लूंगा। कैसे खलील, तुम्हें एक महान ट्रिक ढूंढनी है? हाँ हाँ, मैं ट्रिक ढूंढ लूंगा, पर उसके लिए मुझे थोड़ी ताजा हवा खाने दो। मुझे यकीन है कि कोई आइडिया मिल ही जाएगा। ये क्या है? ये इस साल के साइंस फेयर के लिए टेलीपोर्टेशन डिवाइस के प्लान्स है। ये क्या है? टेलीपोर्टेशन डिवाइस। क्या सच में? ये दो हुप्स टेलीपोर्टेशन डिवाइस कैसे बन सकते हैं? ये हाई ग्रेड और लाइट वेट मेटालिक अलॉय से बने हैं। लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बस इन्हें नीचे रख दो। कमाल देखो। ठीक है, अब इस हुप में कदम रखो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या कर सकता हूँ, उसे कमाल की ट्रिक चाहिए। उसे लगता है कि आइडिया आसमान से गिरते हैं। तो जितना ज्यादा मैं इसे बढ़ाता हूँ, उतना ही ताकतवर ये चुंबक बन जाता है। देखो क्या बात है।
वाह लाजवाब है। चलो देखे। ये बहुत अच्छा है ना? ये तो करीब उसके जितना ही अच्छा है। नहीं, इस साल साइंस फेयर तो मैं जीतने वाला था। इस बार मेरी बारी है। इस बार मैं मंसूर को बिल्कुल भी नहीं जीतने दूंगा। इसे हमने अब तक टेस्ट नहीं किया। खलील तुम्हें यकीन है कि ये काम करेगा? बिल्कुल ये काम करेगा। देखो पहला हूप वहाँ है, वो वहाँ स्टेज पर रखा है, और इसका दूसरा हूप यहाँ पीछे रखा है। तुम स्टेज वाले के अंदर जाओगे और उससे बैक स्टेज आ जाओगे, और मैं ऑडियंस को दिखाऊंगा कि तुम गायब हो गए हो, और फिर तुम पहले वाले की तरफ टेलीपोर्ट होकर स्टेज पर लौट आना, और फिर मैं उन्हें दिखाऊंगा कि तुम वापस आ गए हो। बेहतरीन जादू है ना? अब जल्दी जाओ। तो हमारे प्यारे देवियों और सज्जनों, तैयार हो जाइए फिनाले के लिए। एक ऐसा जादू जो आपने आज तक मंच पर नहीं देखा होगा, गायब होता एक इंसान। तो इस ट्रिक के लिए मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे इंसान को जो प्यारा है और भोला है, खलील। रेडी? रेडी। चलो शुरू करो। मैं जानता हूं आप लोग क्या सोच रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई गायब हो जाए? एक बार जब ये पर्दा हट जाएगा तो आप सभी मान जाएंगे कि ये वाकई में हो सकता है। अरे लगता है वो एक मोटा बच्चा बन गया है। मोटा? ओए, मेरी बस हड्डियां मोटी हैं। और अब पूरी तरह से गायब करने के लिए। तुम कौन हो? याद नहीं है। तुम आए कहाँ से? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? एक मिनट, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? सच में नहीं जानते? दोस्तों मैं समझ गया यहाँ क्या हो रहा है। मुझे बस ये बटन दबाना है और उबेद वहाँ से निकल आएगा। दूसरा हूप कहाँ है? पकड़ो उन्हें। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। उबेद। ओह, अब मैं कहाँ आ गया? सवाल ये है कि तारिक, जमील और जमाल कहाँ गए? जी हाँ देवियों सज्जनों, सही समझे आप। एक की जगह आप देख सकते हैं तीन बच्चे आ चुके हैं। ये कौन है आप सोच रहे होंगे? कहाँ से आ गए ये बच्चे यहाँ पर? आप सभी के सवालों के जवाब मिलेंगे महान ट्रेड के आने पर, जो बस आ रहे हैं। हाँ? तो ये ऐसे काम करता है एक ऐप से? मैं अचानक से महान जादूगर खलील के मैजिक शो में पहुंच गया। तुम्हें वो याद है? ओह हाँ, वो तो कमाल है। पर वो मेरा शो है, मैं हूँ महान ट्रेड। कुछ भी हो मुझे मेरे शो में वापस जाना है, इससे पहले कि वो खत्म हो जाए और मैं बर्बाद हो जाऊँ। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे। हाँ देवियों और सज्जनों, सभी के सभी गायब हो चुके हैं। तुम कहाँ गायब हो गए हो ट्रेड? कहाँ हो तुम? रुक जाओ। मालिक, देखिए देवियों और सज्जनों, ये मुमकिन है। गायब हुआ इंसान लौट आया है। रुक जाओ, अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। और वो फिर से गायब हो गए। वो कहाँ गए? तो इतनी देर से ये हो रहा है। मैं समझ गया यहाँ क्या चल रहा है। क्या मैं ये फोन ले सकता हूँ? रुक जाओ, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तुम उठाओ। मैं क्यों उठाऊं? तुम उठाओ उसे। नहीं, मैं नहीं,
उसने तुम्हें उठाने के लिए कहा ना? हाँ, पर उसके बाद मैंने तुम्हें कहा। हाँ, पर ऐसा है कि मैंने तुमसे कहा तो तुम्हें उसे उठाना चाहिए। पकड़ लिया। ये देखो, मेरे हाथ में टेलीपोर्टर आ चुका है। ओए, इसे वापस दो। मुझे मिल गया। हटो। ऐसे मैं इस साल साइंस कंपटीशन जीत जाऊंगा और तुम बैठकर रोते रह जाओगे, देखना। नहीं। चलो देखते हैं अब इसमें से कौन निकलेगा। जल्दी चलो, साइंस फेयर वापस लौटना होगा। जजिंग पैनल के आने का वक्त हो गया है। जल्दी करो। अरे क्या कर रहे हो खलील? मेरी बात सुन रहे हो? मुझे टेलीपोर्ट करो। हमारा प्रोजेक्ट एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है टेलीपोर्टेशन का, और इसमें हमारी मदद करेंगे ये। हाँ, क्या मैं? बधाई हो, आपका प्रोजेक्ट शानदार है। हम जीत गए। अब मेरा क्या होगा? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हारी देवियों और सज्जनों तालियां हो जाएं। लाजवाब ट्रेड द ग्रेट के लिए, दुनिया के सबसे महान जादूगर ट्रेड द ग्रेट। सालम, बहुत एक्साइटेड, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा है। मेरे लकी पत्थर ने सारी घबराहट और बुरी एनर्जी सोख ली है और मुझे बेहतर एक्टर बना दिया है। अरे बाप रे, देखो तो कितने सारे लोग आए हैं प्ले देखने के लिए। मैं सच में घबरा रहा हूँ दोस्तों, मुझसे रुका नहीं जा रहा। तुम्हें सच में डर नहीं लग रहा क्या? थोड़ा सा भी नहीं? नहीं, लकी स्टोन के होते हुए मुझे किस चीज का डर? बहुत से एक्टर्स कोई ना कोई लकी चीज रखते ही है, तुम्हें भी रखना चाहिए। कहाँ गया? कहाँ गया? हेलो मेरे बच्चों, तुम सब कमाल के लग रहे हो, शो के लिए रेडी हो? नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं सारे डायलॉग भूल गया हूँ। घबराओ मत सालम, एक बार शो शुरू हो जाएगा तो सारे डायलॉग याद आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, याद नहीं आएगा, मुझे स्टोन चाहिए। तो फिर साथ में ढूंढते हैं, आज प्ले में मजा आएगा। देखें इसके बिना ये क्या करता है। कहाँ गया, कहाँ गया? मेरा लकी स्टोन कहीं दिख क्यों नहीं रहा? कहाँ कहाँ कहाँ? हाँ सालम, सुन सुन ना। पस, पस, ओए, सालम, सालम, आ कुछ दिखाऊं। ये देख। चलो बच्चों, 2 मिनट हैं आपके पास, जल्दी। हम परफॉर्म करते वक्त तो नहीं ढूंढ पाएंगे, हमें किसी और की मदद चाहिए। पर किसकी? शम्मा प्ले देखने वाली है, चलो चलकर उससे मदद मांगते हैं। मेरे पास मेरा फोन भी नहीं है और मैं ऐसे तो बाहर नहीं जा सकता। जानता हूँ, उबेद मेरे साथ चलो, जल्दी। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो शम्मा, कैसी हो? हाँ मंसूर, तुम यहाँ हो? तुम्हारे साथ कौन है? उबेद। हेलो उबेद। हेलो शम्मा। सालम ने लकी स्टोन खो दिया है और वो उसके बिना स्टेज पर नहीं जा सकता, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? क्या लकी स्टोन? इसका क्या मतलब? उसके पास रहता है वही स्टोन। ठीक है,
मैं देखती हूँ कि मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया। शुक्रिया शम्मा। मैं एक शैतानी जादूगर हूँ और मैं आया हूँ अलादीन को ढूंढने। उसे बेवकूफ बनाकर उससे शक्तिशाली चिराग चुरा लूंगा और फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। हो देखो आ गया। तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी बारी है। मैंने कहा वो देखो आ गया, आ गया। तुमसे मिलकर खुशी हुई अलादीन। मैं तुम्हारे दूर का चाचा हूँ। मैं जानता हूँ तुम यकीन नहीं करोगे पर यही सच है। मैं नहीं जानता था मेरे चाचा है। तुम्हारे पापा ने मेरे बारे में नहीं बताया? नहीं, एक बार भी नहीं। ठीक है तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कमाल की चीज दिखाता हूँ, तुम्हें यकीन नहीं होगा। मुझे बहुत मजा आ रहा है इस प्ले में, ये बहुत ही लाजवाब प्ले है। अरे पहले शुरू तो होने दो। मुझे मेरी लाइन याद ही नहीं है। घबराओ मत, मैंने इस पर तुम्हारी सारी लाइनें लिख दी है। मैं इसे तुम्हारे आगे ही रखूंगा, तुम इसमें से पढ़ते रहना। क्या करूं? समझ नहीं आ रहा मैं सैलम का स्टोन कहां ढूंढूं। आइडिया, ये बढ़िया आइडिया है शमा। तो मेरे भतीजे बताओ मुझे तुम्हें इस शहर के नजारे कैसे लगे? पर तुमने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है, चलो इससे भी बेहतर नजारे देखते हैं। क्या दिखाना चाहते हो अंकल? मैं दिखाता हूँ पर पहले चलो आग जला ले। अब मैं तुम्हें सबसे बड़ा खजाना दिखाऊंगा जिससे तुम सबसे रईस सुल्तान बन जाओगे। पकड़ो मेरी मशाल को। अब नीचे जाकर मेरे लिए चिराग ले आओ। हाँ? बहुत शुक्रिया शम्मा, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने शो बचा लिया। शाबाश बच्चों। वैसे प्ले की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी थी पर ऑडियंस को ये भी पसंद आया। सालिम, 2 मिनट बात कर सकते हैं? बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बस थोड़ा शांत हो जाओ और सब ठीक हो जाएगा। घबराओ मत सालिम, देखो तुम्हारे सारे डायलॉग्स मैंने अपने आप पर चिपका लिए हैं, जब मैं स्टेज पर जाऊंगा वहीं पढ़ लेना। ठीक है सब अपनी जगह पर जाओ, एक्ट शुरू होने वाला है। जितना खजाना लेना है ले लो, बस मुझे वो चिराग मिलना चाहिए। मैं हूँ इस चिराग का जीनी। हुकुम है मेरे आका। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ इस शॉर्मा से।
आपका कहने का मतलब ये है कि आप इस गुफा से निकलकर घर जाकर शौरमा खाएंगे? अगर आप यही चाहते हैं तो आपका हुक्म सराकों पर। ये लीजिए, घर आ गए। अब आप मुझे बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए मेरे आका? मैं चाहता हूँ तुम मेरा घर भर दो कूड़े से। आप कहना चाहते हैं कि मैं आपका घर भर दूं और ये सारा कूड़ा गायब कर दूं खजाने से? अब मैं तुम्हें खजाना देता हूँ अलादीन, ये लो बेशकीमती पत्थर, ले लो, उम्मीद है ये तुम्हारे काम आएगा, इसे तुम रख लो। शुक्रिया शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया इस खजाने के लिए जीनी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक सफेद सा घोड़ा ला दो, क्योंकि मैं सुल्तान के महल जाकर उनकी बेटी प्रिंसेस जैस्मीन का हाथ मांगने वाला हूँ। जब वो नीचे आए इसे खींच कर उन्हें वापस वहाँ पहुँचा देना। चलो करो। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। हमारी कहानी खत्म, और अब हम शुक्रिया कहना चाहेंगे आप सबको यहाँ आने के लिए। उम्मीद है कि हम फिर जल्द मिलेंगे। शाबाश बच्चों, ये सच में बढ़िया परफॉर्मेंस थी। टेस्टी है। तुमने क्या कर दिया? दरअसल ये एक मीठा बादाम है। शुरू में मैं समझ नहीं पाई कि तुम्हारा स्टोन कहाँ ढूंढूं। मैंने कोशिश की पर फिर मुझे याद आया कि मेरे बैग में कुछ मीठे बादाम रखे हुए हैं। शायद मुझे उस पत्थर की कभी जरूरत थी नहीं, हो सकता है वो लकी था ही नहीं। तुमने सही कहा, तुम्हें एक अच्छा एक्टर बनने के लिए पत्थर की जरूरत नहीं, बस हुनर और मेहनत चाहिए। शम्मा, तुम्हारे बैग में अभी मीठे बादाम है? नहीं सॉरी उबेद, वो तो खत्म हो गए। ओह, एक और मीठा बादाम। और मेरे लकी पत्थर। मुझे नहीं लगता इस पत्थर का लक्ष्य को लेना देना है। तुमने सही कहा। हमने गाड़ी धो दी है दादाजी। ओबे, तुम्हारे सर पर साबुन लगा हुआ है, हमें तुम्हें भी धोना होगा। नहीं 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 नहीं। हाँ? कौन कौन पिएगा? आओ बच्चों, तुम्हारा तो चेहरा धुल गया, इसे पियो मजा आएगा। गाड़ी तो चमक गई, कमाल कर दिया। फिर जूनियर बायथलॉन के लिए मैं तुम्हारी पार्टिसिपेशन फीस को भर दूंगा, क्यों? ठीक है ना बच्चों? शुक्रिया दादाजी, पर हम इस रेस के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो वो इस पर लिखा है, देखो। जूनियर बायथलॉन, जिसकी शुरुआत होगी रनिंग रेस से और उसके बाद होगी साइकिल रेस रमाल स्टेडियम में। इसके स्पॉन्सर्स एक चैरिटी फाउंडेशन है और ये बायथलॉन अगले हफ्ते होने वाली है। सुनो दोस्तों, हमें हिस्सा लेना ही होगा, इससे हमारी फिटनेस भी चेक हो जाएगी और हम चैरिटी के लिए पैसे भी जमा कर पाएंगे, और शायद ऐसा भी हो जाए कि मैं मेडल जीत लूं। जरूरी नहीं है, मैं भी एक मेडल जीत ही सकता हूं तुर्की। मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से मैं तुमसे बहुत ज्यादा फिट हूं मंसूर।
मेरे पास दिमाग भी है। फिटनेस तो दिमाग को भी हरा देगी। नहीं, दिमाग फिटनेस को हरा देता है। दरअसल दोनों ही जरूरी हैं। नानो, तुम सारी जानकारी डाउनलोड कर लो। इस कंपटीशन को जीतने का बेस्ट तरीका क्या होगा? ठीक है, करता हूँ। पता है क्या, हम भी ट्रेनिंग करेंगे। हाँ, सही कहा, हमें टॉप 10 में तो आना ही है। हाँ, या टॉप 20 में। टॉप 25 या टॉप 30 में आ जाए तो मजा आ जाए। बस हम पूरी कर ले, टॉप 40 या टॉप 50 में तो आ ही जाएंगे। टॉप 60 भी आए तो ठीक ही है, हम बस लास्ट नहीं आ सकते हैं। चलो आ जाओ। रेस जीतने के लिए बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि आप शुरुआत में ही बाकियों से काफी आगे निकल जाइए, ताकि कोई भी आपसे आगे ना निकल पाए। तुर्की को हरा करूंगा। मैं तो जल्दी थकता भी नहीं, मंसूर का कोई चांस ही नहीं। ओह, हाँ? हाँ? आजकल तुम्हारी ट्रेनिंग सेशन कैसी चल रही है मंसूर? कुर्सी पर बैठे बैठे? बहुत बढ़िया, मैंने रेस की सारी सक्सेसफुल तरकीबें सीख ली है। ये तो बढ़िया है मंसूर, मेरा मतलब है कि असल में मैंने भी रनिंग और साइकिलिंग के बारे में जाना, पर कुर्सी पर बैठे बैठे नहीं। सबसे बेस्ट प्लान की तलाश कर रहा हूँ, जिससे मैं रेस जीत सकूं और साथ ही साथ तुम्हारी बैंड बजा सकूं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बैंड बजा नहीं पाओगे। दोस्तों तुम बताओ, ट्रेनिंग कैसे चल रही है? मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, दौड़ रही हूँ, मैं साइकिल भी चला रही हूँ और रेस स्ट्रेटजीज पूरी तरह समझ रही हूँ। मुझे भी पानी दे दोगे प्लीज? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक एप्पल, एक ऑरेंज और एक स्ट्रॉबेरी की। एप्पल को सिर्फ सही दिमाग से मतलब था और ऑरेंज को सिर्फ हेल्थी शरीर की चिंता रहती थी, पर स्ट्रॉबेरी अच्छा दिमाग चाहता था और एक हेल्थी बॉडी भी। तो बैलेंस बनाने के लिए उसने वो किया जो उसे करना चाहिए। बच्चों, ट्रेनिंग के कुछ ही दिन बचे हैं, तुम सही से उनका इस्तेमाल करो। मैं भी रेडी हूँ। जूनियर बायथलॉन में आपका स्वागत है। रेस जल्दी ही शुरू हो जाएगी, पार्टिसिपेंट्स रेडी हो जाइए, स्टार्ट लाइन पर पहुंचिए। और क्या हमारे दर्शक इनका हौसला बढ़ा सकते हैं? इन एथलीट्स को आज बजने वाली हर ताली की जरूरत है, इनका हौसला बढ़ाइए। तो ठीक है, आखिरकार हम तैयार हैं। हम शुरुआत करेंगे दो लैप्स दौड़ने से, जिसके बाद साइकिल की रेस होगी। ओके पार्टिसिपेंट्स, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। और ये लोग निकल चुके हैं, देखिए इन्हें जरा, 12 नंबर के खिलाड़ी ने शुरुआती लीड ले ली है। ये तो बहुत मजेदार है। हाँ, ये नए जूते कमाल है। मेरे भी। और ये हमारी तेज दौड़ने में मदद भी कर रहे हैं, उतना भी तेज नहीं। क्या कर सकते हैं, भागते रहो। दौड़ का एक लैप बाकी, खिलाड़ी नंबर 12 ने अभी लीड बरकरार रखी है और ये बेहतरीन तेजी से आगे बढ़
रहते हुए और ये आप पहुंचे बाकी के खिलाड़ी अपनी पूरी कोशिश करते हुए। 12 नंबर के खिलाड़ी इतनी तेजी से जा रहे हैं कि वो दौड़ने वाले आखिरी लैब के आखिरी खिलाड़ियों को दोबारा पीछे छोड़ने वाले हैं। सुना तुमने? तुर्की आखिरी आने वाले खिलाड़ियों को फिर से पीछे छोड़ने वाला है। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है, बेचारे शर्म से मर जाएंगे। हेलो सालेम, उबेद। उनका मतलब हमारे से था। जल्दी करो उबेद, वरना हम पीछे रह जाएंगे और रेस से बाहर हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, उसने इन्हें पीछे छोड़ दिया। वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, मानो जैसे उड़ रहा हो। ज्यादा देर तक ये रफ्तार नहीं रख पाओगे। मानो इसके पंख लग गए हो। खिलाड़ी नंबर 12 ने दौड़ने वाले लैप्स पूरे कर लिए हैं और अब वो साइकिल पर बैठ रहे हैं। एक सेकंड के लिए रुककर पानी पीते हुए और वो आगे निकल चुके। और इस तरफ देखें तो बाकी के सारे खिलाड़ी अब जाकर अपनी साइकिल के पास पहुंचने लगे हैं। इस खेल में हारता वही है जो सबसे आखिर में होता है, पर आपको उनकी चलते रहने की चाह की दाद देनी चाहिए। क्या बेहतरीन दिन है आज का, है ना साथियों? और ये हमारे आखिरी दौड़ने वाला लैप खत्म कर ही रहे हैं, जबकि खिलाड़ी नंबर 12 साइकिलिंग राउंड के आखिरी लैप पर निकल चुके हैं। उबैद और सालेम ने अपनी हेलमेट पहन ली है और वो अपनी साइकिल पर सवार हो चुके हैं। इतना भागने के बाद बैठने का मजा ही कुछ और है ना? ओह, काफी शोर है। पीछे आते खिलाड़ी अब 12 नंबर खिलाड़ी के करीब पहुंचते हुए, क्या उन्हें अब मुश्किल हो रही है? क्या उन्होंने अपनी सारी एनर्जी रेस की शुरुआत में ही लगा दी थी? खिलाड़ी नंबर 8 ने बेहतरीन तरीका अपनाया है। बहुत ही सूझ के साथ वो पूरी रेस के दौरान अपनी एनर्जी बचा कर चले हैं। अब उन्हें बस अपनी रफ्तार बढ़ाकर फिनिश लाइन क्रॉस करनी है। खिलाड़ी नंबर 10 भी थक कर धीरे होते हुए, इनके पास प्लान था, पावर नहीं, अब क्या होगा? और बाहरी लेन में देखिए, ये आ रही है तेजी से खिलाड़ी नंबर 3। काफी करीबी मामला है। क्या रेस हुई, शानदार खिलाड़ी, क्या प्रदर्शन किया है सबसे आगे निकलते हुए। ये बहुत बड़ा सस्पेंस बन चुका है, क्या बात है, इसे कहते हैं कांटे का मुकाबला। क्या बात है, 3 नंबर ने हलचल मचा दी है सबसे आगे निकलते हुए। क्या बात है, हमें अपना विनर मिल चुका है। बहुत बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने बेस्ट प्लान अपनाया और इस रेस में बॉडी और दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया। शमा, तुम्हें इस रेस जीतने के लिए बधाई हो। शुक्रिया। तुम आखिरी में कितनी तेजी से आगे निकल गई शमा, माफ करना, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा खेलोगी, पर आखिर में तुमने मुझे गलत साबित कर दिया।